हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज शाम 5 बजे की क्लास में मैंने आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाया है। मैंने आपको समझाया है कि हाउ टू टॉक इन पास्ट, कि यार मैंने ऐसा किया, आई डिड इट। सो आज की क्लास में ना सेकेंड फॉर्म का बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट यूज़ है, राइट? और इसके अलावा कभी आप सेकेंड फॉर्म का यूज़ भी नहीं करोगे। सो आपको आज बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। मैं कहता हूँ जितनी हो सके उतनी करनी है, ठीक है? सो अभी हमारा प्रैक्टिस क्लास है। इन दिस प्रैक्टिस क्लास आई विल आस्क हर अ क्वेश्चन दैट व्हाट शी डिड यस्टरडे, राइट? कि इन्होंने कल क्या क्या किया, राइट? तो आपको बताना है व्हाट ऑल डिड यू डू यस्टरडे, आपने कल क्या क्या किया था। सब सेकेंड फॉर्म में बताना होता है। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि मैंने ये किया, आई डिड इट। सेकेंड फॉर्म में सब बोलना होता है। तो चलिए बोलिए। आपने कल क्या क्या किया बताएंगे आप। 20 things आपको बतानी है, ठीक है? आई कट माई नेल्स यस्टरडे, आई पुट मेकअप यस्टरडे, आई वॉश्ड माई क्लोथ्स यस्टरडे, आई टॉट माई डॉटर यस्टरडे, आई कुक्ड फूड यस्टरडे, आई वेंट मार्केट यस्टरडे, आई बॉट वेजिटेबल यस्टरडे, आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे, I decorated my room yesterday. I cut vegetables yesterday. I applied makeup yesterday. I washed my hair yesterday. I fought with you yesterday. I beaten my daughter yesterday. I played with her. I switched on yesterday. I mopped the floor yesterday. I drank water yesterday. I went to temple yesterday. I worshiped yesterday. I plucked flower yesterday. I filled the bucket yesterday. I bought cold drink yesterday. I wished everyone yesterday. I spread bedsheet yesterday. I watered the plant yesterday. Okay, done. तो इन्होंने जो बोले आज 20 की जगह मैंने 25 बुलवाए हैं। तो समझ रहे हो ना कि मतलब जब 50 तक पहुंचते हैं तो इट सीम्स लिटिल बिट हार्डर, राइट? तो जैसे जैसे हम ज़्यादा सेंटेंस बोलेंगे तो हमारे एक्शंस खत्म हो जाएंगे, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सेंटेंसेज इन अवर हेड या वोकैबलरी, राइट? तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोकैबलरी पे ध्यान देना है। ये आप ट्राई करो कि एवरी टाइम, ये मैटर नहीं करता कि वो वर्ड हार्ड हो या सिंपल हो, बस नया होना चाहिए। इनकी मिस्टेक्स रही हैं 2-3 जगह। जैसे इन्होंने आई ड्रंक वाटर यस्टरडे बोला, ड्रंक नहीं ड्रैंक होता है सेकेंड फॉर्म। इन्होंने एक जगह मिस्टेक की, आई डोंट रिमेम्बर द मिस्टेक। इन्होंने कुछ बोला था, वो भी था, हाँ, बीटन माई डॉटर बोला था, बट वो बीट ही होगा, राइट? तो सेकेंड फॉर्म पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, बट इट वॉज नॉट अ बिग मिस्टेक। इतना नहीं है, चल जाता है। हो सकता है काफ़ी लोगों ने ये मिस भी कर दिया होगा, काफ़ी लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि इन्होंने क्या बोल दिया है, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखो कि आप कॉन्फिडेंटली बोलो, जैसे कॉन्फिडेंटली बोल रही थी, शी डिड नॉट रियलाइज के शी मेड अ मिस्टेक। हुआ था रियलाइज, कॉन्फिडेंट थी। अगर आप मिस्टेक्स को फॉलो करोगे तो आप कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा, कभी भी नहीं आएगा। आई ऑल्सो डू मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग, बट आई डोंट यू नो रियलाइज दैट आई एम डूइंग मिस्टेक्स। सो वेन एवर आई फाइंड समथिंग के यार ये तो गलत बोलता हूँ मैं, तब मैं इम्प्रूव करता हूँ। बस इतना किया जा सकता है, ठीक है? घबरा कर या डर कर काम नहीं चलेगा, ठीक है? अब सिंपल टास्क है, अब तो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होना है, क्योंकि अब आपको बोलना है कि मैंने ये काम नहीं किया। तो यू विल हैव टू टेल मी दैट व्हाट ऑल डिड यू नॉट डू यस्टरडे, आपने क्या क्या नहीं किया था, आपको वो बताना है, ठीक है? 20 things यू विल हैव टू टेल। मैं काउंट कर रहा हूँ। आई डिड नॉट गो टू रूफ यस्टरडे, आई डिड नॉट टेरेस, टेरेस ज़्यादा अच्छा वर्ड है। ओके, आई डिड नॉट गो टू टेरेस यस्टरडे, आई डिड नॉट क्लीन माई रूम यस्टरडे, आई डिड नॉट टेक बाथ यस्टरडे, आई डिड नॉट प्ले विद माई डॉटर यस्टरडे, आई डिड नॉट फीड हर, I did not wash my clothes. I did not wash your clothes yesterday. I did not comb my hair yesterday. I did not cut my nails yesterday. I did not clean chair yesterday.
आई डिड नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे, आई डिड नॉट बाय वेजिटेबल्स यस्टरडे, आई डिड नॉट स्पेयर बेडशीट यस्टरडे, आई डिड नॉट क्लीन रूम यस्टरडे, आई डिड नॉट अप्लाई मेकअप यस्टरडे, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश यस्टरडे, आई डिड नॉट चार्ज माई फोन यस्टरडे, आई डिड नॉट स्विच ऑन द फैन यस्टरडे, आई डिड नॉट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक यस्टरडे, आई डिड नॉट ईट पिज्जा यस्टरडे, आई डिड नॉट बेक चपाती यस्टरडे, आई डिड नॉट वॉशिप यस्टरडे, आई डिड नॉट अप्लाई काजल इन माई आईज यस्टरडे. बस 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 बस, वेरी गुड. हाँ, ये आसान लगा ज़्यादा, है ना? तो मुझे ही लगता है कि सेइंग समथिंग इन पास्ट शुड बी ईजी लाइक दिस. अगर आपके लिए फर्स्ट फॉर्म ईजी है तो आपके लिए सेकेंड फॉर्म भी ईजी होना चाहिए. इतना प्रैक्टिस आपको करना होगा, ठीक है? वोकैबुलरी से रिलेटेड मैं आपकी हेल्पिंग क्लास ज़रूर लेकर आने वाला हूँ, बट थोड़ा टाइम तो लगेगा, राइट? चलिए, अब रजनी, यू विल हैव टू आस्क मी क्वेश्चन दैट डिड यू डू दिस थिंग यस्टरडे, क्या आपने कल ऐसा किया? ये अब मुझसे पूछेंगे. हर बार की तरह फिर से आपको समझाऊंगा कि ये मत सोचो कि इनका जवाब तो मैं दे रहा हूँ तो सर हमारा कौन देगा. मत दो, कोई मत दो, तुम्हें क्वेश्चन पूछना आना चाहिए. उसके बाद मैं कुछ जूम क्लासेस स्टार्ट करूँगा सेप्टेम्बर मंथ में, क्योंकि अभी हमारे पास लैपटॉप वगैरह है नहीं. अगस्त इज़ गोइंग ऑन और हमारे पास लैपटॉप नहीं है. आई लेफ्ट माई लैपटॉप इन मनाली. सो जब हम लोग मनाली वापस जाएंगे तो वहाँ पर हम जूम क्लासेस करेंगे. तो मुझे लगता है कि 5th सितंबर या 10th सितंबर से मैं क्लासेस शुरू कर दूंगा. तो ऑनलाइन आपको फ्री क्लास मिलेगी, कोई पैसा नहीं होगा उसका भी, बट थोड़ा वेट करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी? चलिए रजनी, यू विल हैव टू टेल मी, यू विल हैव टू आस्क मी क्वेश्चंस, राइट? आस्क मी. डिड यू टीच मी यस्टरडे? यस्टरडे, यस, आई टॉट यू. डिड यू प्ले विद योर डॉटर यस्टरडे? या, आई प्लेड विद माई डॉटर. डिड यू टेक बाथ यस्टरडे? Yesterday, no, I did not take bath yesterday, sorry. Did you brush your teeth yesterday? Yesterday, yes, I brushed my teeth. Okay. Did you go to temple yesterday? No, I did not go to temple yesterday. Okay. Did you wash your clothes yesterday? No, I did not wash my clothes yesterday. Okay. Did you make video yesterday? Yes, I made some videos yesterday. Did you eat momo yesterday? Yes, I ate momos yesterday. Okay. Did you talk with your brother yesterday? No, I did not talk to my brother. Okay. Did you make tea yesterday? No, I did not make tea yesterday. Did you comb your hair yesterday? No, I did not comb my hair yesterday. Did you go to market yesterday? Yes, I went to market. Okay. Did you buy a new phone yesterday? No, I did not buy a new phone. Okay, did you ride bike yesterday? Yes, I rode bike yesterday. Did you buy a new bicycle yesterday? No, I did not buy a bicycle yesterday. Did you talk someone yesterday? Yes, I talked to many people yesterday. Did you attend party yesterday? No, I did not attend any party yesterday. Did you drive car with your brother yesterday? No, I did not drive car yesterday. Okay. Did you go to playground with your daughter yesterday? No, I did not go to playground with my daughter yesterday. Did you teach Spanish? No, I did not teach Spanish. Did you fight with me yesterday? Yes, I fought with you yesterday. Did you cut your nails yesterday? No, I did not cut my nails yesterday. So guys, did you check it? Okay, she asked me question and I replied. So whenever someone speak and ask the question and have a conversation, you think that his or her English is very good. But iske alag duniya hai bhai. If she is asking me questions, she has a pattern. She has something in her mind that what she is asking, right? And I'm just responding the question. मैं जैसे question सुन रहा हूँ उसके accordingly answer दे रहा हूँ. तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, right? So कुछ videos आपने YouTube पर भी देखी होंगी कि the teachers fill the words in the mouth of students. Like मैंने कल खाना नहीं खाया. I did not eat food yesterday. क्या तुमने कल खाना खाया? Did you eat food yesterday? कहाँ पर खाना खाया तुमने कल?
Where did you eat food yesterday? मैंने तो भगवती रेस्टोरेंट में खाना खाया. I eat भगवती रेस्टोरेंट. I ate food भगवती रेस्टोरेंट. In the भगवती रेस्टोरेंट. In the भगवती रेस्टोरेंट. किसके साथ तुमने खाना खाया? With whom you ate? With whom did you eat? Yeah. With whom did you eat food? राइट right, कोई बात नहीं. हाँ इतना ही था. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ और भी है. तो समझ रहे हो कि ये काम बहुत आसान है जब आप बोलना शुरू करते हो अपने पास से. मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं भुलवाऊँ. हालांकि ये क्लासेस, ये वीडियोस यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर होती है तो हम लोग ये करेंगे, ऐसी बात नहीं हम नहीं करेंगे. बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इफ़ यू फॉलो माई ट्रिक्स, सो ये तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत आसान सी बात है. बट आपको क्या है, पहले खुद बोलने की प्रैक्टिस करनी होगी. जैसे मैंने आपको 100 टास्क दिए है ना, तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है 5-6% ही स्टूडेंट ये काम कर रहे होंगे. बाकी सब सिर्फ वीडियो देख रहे हैं और क्लास एंजॉय कर रहे हैं, नथिंग एल्स दे आर डूइंग. तो इंग्लिश बोलने के लिए भाई बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए. वीडियो को देखने से आपको इंग्लिश नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. राइट, वट एवर शी इज आस्किंग इज डिपेंडिंग ऑन हर प्रैक्टिस. जितना बोल रही है, चाहे कम बोल रही है ज़्यादा, जितनी प्रैक्टिस की है उसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं. तो आपको सभी को एडवाइस देना चाहूँगा कि भाई अपने अच्छे से आप प्रिपरेशन करें. ठीक है, अगर अभी देर नहीं हुई है, इट इज़ 8th day टुडे ओनली, सो यू कैन यू नो गो इन फ्लैशबैक. आप पीछे जाइए, फ्लैशबैक में जाइए और फिर से क्लासेस देखिए और उतनी प्रैक्टिस कर लीजिए. अभी इतना दूर नहीं आए हो. ठीक है, बाकी इंग्लिश आएगी अगर मेरी क्लासेस फॉलो करोगे तो. शाम 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे क्लासेस होती हैं, आप फॉलो करो, जरूर इंग्लिश आएगी. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.